हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गाल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक, जिसकी मदद से आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। तो वो ट्रिक है ईडियम। अपनी स्पीकिंग में आप लोग ईडियम ऐड करना शुरू कर दें तो आपकी स्पीकिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो कुछ ईडियम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट वन ईडियम है, आप मार्केट कभी कभी जाते हो। यू गो टू मार्केट वंस इन अ ब्लू मून। यू गो टू मार्केट वंस इन अ ब्लू मून। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, इसको कैसे बोलेंगे। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और थर्ड वन एग्जांपल है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स हॉट केक फॉर मी। इट्स हॉट केक फॉर मी। तो फोर्थ वन ईडियम है वाइट एलिफेंट। इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से ऐड करेंगे। द कार वॉज वाइट एलिफेंट फॉर हिम। मतलब ये कि एक शख्स ने कार खरीदी लेकिन वो कार उसके लिए बिल्कुल यूज़लेस है। महंगी भी वो चीज़ है और यूज़लेस भी है। तो जो चीज़ यूज़लेस भी हो और महंगी भी हो, उसको बताने के लिए हम वाइट एलिफेंट ईडियम यूज़ करते हैं। जैसे कि द कार वॉज वाइट एलिफेंट फॉर हिम। फिफ्थ वन है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स एक एग्रीमेंट जो कि बिल्कुल क्लियर हो हर किसी के सामने। मतलब ये कि हर चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो। तो हम इसको जुमले में किस तरीके से ऐड करेंगे। हम लोग बोलेंगे द एग्रीमेंट वॉज इन ब्लैक एंड वाइट। एग्रीमेंट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, मतलब हर किसी को समझ में आने वाला है और हर कोई इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस तरीके के ईडियम्स अपनी स्पीकिंग में ऐड करना शुरू कर दें और आपकी स्पीकिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहें फ्यूचर में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।